वन मार्क सॉल्यूशन में आज एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है और एक बार हम पुनः उपस्थित हैं एक मार्क के क्वेश्चन के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है और इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग टू सॉल्व दिस वन मार्क सॉल्यूशन क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन इट कम्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, सो एंड एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। सो वी आर प्रैक्टिसिंग हियर वन मार्क सोल्यूशन बेसिकली फॉर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सम एम सी क्यू क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर। सो लेट अस स्टार्ट एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन 23 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव गिवन टाइम टू माई स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ दे आर विल से देयर आंसर्स वाट दे हैव डन इन दिस स्पेयर आवर्स। तो चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 24 क्वेश्चन। हाँ, अगली आवाज़ निशांत की होगी बेटा। निशांत, व्हाट इज योर आंसर? ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन, फुल रीड द क्वेश्चन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसईज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसईज टू द पब्लिक इज नोन एज। ठीक है, वेरी गुड, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, हुम आई शुड आस्क द क्वेश्चन, लेट मी डिसाइड। हाँ, यस, हमारे स्क्रीन पर अभिजीत एंड शुभांकिता, क्वेश्चन फॉर यू। दिस इन्वेस्टमेंट ये क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या बताइए? वर्षा, शुभांकिता, शुभम सिंह और अभिजीत, बताइए। डिस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? शुभम ने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट डिस इन्वेस्टमेंट, और बताइए, और किसी के पास कोई आंसर जिनसे मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। कैपिटल, सुजीत ने कहा कैपिटल रिसिप्ट, और वर्षा, शुभांकिता, डिस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? देखो, जिसको जिसने तुरंत आंसर दे दिया इसका मतलब वो गूगल बाबा की शरण में नहीं है। वर्षा, रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। शुभांकिता, सब जिनका नाम लिया सबने आंसर दे दिया, शुभांकिता बस बची हुई है। शुभांकिता, यस सर, बोलिए। डिस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, ये बजट का क्वेश्चन है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं पूछता हूँ, अपने एक्सपर्ट के पास चलता हूँ, फोन ए फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, तो वन मार्क सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आज के एक्सपर्ट हैं अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह, आप बताएंगे डिसइन्वेस्टमेंट को आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अर्जुन सिंह तक शायद अपनी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अर्जुन सिंह, ओके, पहुंच रही है, एक आवाज़ पहुंच रही है अर्जुन। हमारे पास एक दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हिमांशु कुमार जी हैं। हिमांशु जी, बताएंगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर? हमारे एक्सपर्ट ने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखते हैं अब अर्जुन सिंह जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है। जिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लग रहा है, एक्सपेंडिचर ही लग रहा है आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को ऑडियंस के पास ले चलता हूँ। ऑडियंस में से कोई मुझे बताएगा? ऑडियंस प्लीज, आकाश केम, सजीत, ऑडियंस, सर कैपिटल निशा, ऑडियंस में सजीत मंडल बोल रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट, और बताइए ऑडियंस, और बताएंगे आप ऑडियंस? ऑडियंस में एकमात्र सजीत ने कहा है कैपिटल रिसिप्ट। तो क्या मैं ऑडियंस सजीत से जान सकता हूँ कि सजीत जी ये कैपिटल रिसिप्ट में क्यों है? सर पहली बात तो सर ये गवर्नमेंट की या तो एसेट्स कम करता है या फिर लाइबिलिटीज बढ़ाता है, तो इसलिए सर ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। क्योंकि सर अगर गवर्नमेंट अपनी कंपनीज का कुछ स्टॉक अगर बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो सर ये तो इनकी सर एसेट्स कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, इसलिए सर। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए भाई।
सुरजीत मंडल के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। सुरजीत आपका मैं आप स्क्रीन पर आएं और अपने स्क्रीन पर आकर अपने कैमरे को ऑन करें, जरा देखूं मैं सुरजीत जी कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। सुरजीत सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता सर। अच्छा, क्या कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सुरजीत जी अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं? हाँ बोलिए बेटा, और किसी की बात कोई बात है बताइए। यस सर। हाँ बोलिए। सर इसका आंसर दिस इज इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। किसका आंसर? 24th का आंसर तो हो गया। 24th तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट तो आंसर है ही है बेटा। मेरा क्वेश्चन था कि इससे हम आगे बढ़ गए थे, हमने पूछा था कि डिसइन्वेस्टमेंट तो आंसर हो गया था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट मैंने उससे जोड़ के एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बहुत अच्छा आंसर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि ये हमारे एसेट्स को घटाता है या लाइबिलिटीज़ को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अगली आवाज़ फिर से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। वर्षा आप 25th क्वेश्चन वर्षा के लिए है। वर्षा पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप? वर्षा जी, वर्षा जी तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। वर्षा जी आपकी, आप टेलीफोन लाइन में जो है, आपको लगता है आपकी टेलीफोन लाइन में कोरोना हो चुका है, तो अपने टेलीफोन लाइन की सफाई करेंगे आप। तब तक के लिए मैं नीतिका जी के पास चलता हूँ। नीतिका जी 25th क्वेश्चन आप पढ़ेंगी। नीतिका जी, according to the government, the purpose of this investment is mainly to increase the resources. नीतिका जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, दर्शकों तक हमारी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जरा जोर से मैं पढूं? नहीं नहीं, नीतिका जी के पास बहुत शक्तियां हैं, नीतिका जी ही पढ़ेंगी बेटा। नीतिका बेटा जोर से पढ़ना। According to the government, the purpose of this investment was mainly to increase the resources only. हाँ बताइए। According to the government, the purpose of this investment was mainly to increase the resources only. What is your opinion? बोलिए। Only, the word highlights is only. अगर ये only नहीं होता तो ये true होता, false. ठीक है, अगर only नहीं होता तो, लेकिन only हो जाने से क्या हो गया, ये false हो गया। Reason बताओ, reason में ताकत होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना, true और false के question में अगर केवल true और false लेके छोड़ दिया, 0 marks मिलेंगे according to CBSE instructions, ये जान लेना। तो इन्हें लोन लेने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करने का पर्पस फाइनेंशियल जो डेफिसिट्स है उसको कम करना तो होता ही है, फिजिकल डेफिसिट्स को कम करना होता है, ठीक है, बजटरी सपोर्ट के लिए होता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू घट जाती है तो उस केस में लिया जाता है। लेकिन इसका वही उद्देश्य केवल नहीं है, इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ठीक करना। इसका उद्देश्य क्या था, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन उसको ठीक करना, अपने मॉडर्नाइजेशन को, जैसे अपना स्टेक कुछ है, जैसे अपने हिस्से को प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलेब्रेशन करने के लिए उनको भेज दिया, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना और प्राइवेट जो कैपिटल है उनके मैनेजरल जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, उन सब का फ़ायदा उठाना भी एक उद्देश्य था, और साथ ही साथ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो बेटा। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, चलिए हिमांशु कुमार 26th क्वेश्चन। हिमांशु जी अगली आवाज हिमांशु की। हिमांशु जी, यस सर,
चलिए जोर से। गवर्नमेंट हैज मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयूज बाय गिविंग देम अथॉरिटी इन टेकिंग क्या ये मैनेजरियल डिसीजन फॉर इन टेंस फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस फॉर उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस सम पीएसयूज हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। द गवर्नमेंट हैज मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयूज बाय गिविंग देम ऑटोनोमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, फॉर इंस्टांस सम पीएसयूज हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज डैश। चलो बेटा बताइए, इस पर मैंने आपको बहुत सारा व्हाट्सएप से मैंने भेजा था आपको। गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम रखे थे, याद आया? कुछ याद आया बेटा? कंपनियों के अलग अलग नाम रखे थे, उनके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड था, प्लांट का एक्सटेंशन कैसा है बड़ा, ठीक है, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है। तो कुछ चीज़ों को क्राइटेरिया बनाते हुए, उनका मार्केट कैप्चरिंग कैप्चर कितना है, ठीक है, इन सब को आधार बनाते हुए गवर्नमेंट ने कुछ नामकरण किया हुआ है पीएसयूज का, जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं। बोलो बेटा, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है, ओके, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु कुमारी पढ़ेंगे। हिमांशु जी चलो बेटा, हिमांशु 27? हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन तो पहले पढ़ो। मैच द कॉलम्स। कॉलम वन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL लिमिटेड। कॉलम टू, हाँ अब इसमें मैच करना है, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैच करना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? नवरत्न, महारत्न। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है? ये महारत्न। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनी रत्न। और महानगर टेलीफोन MTNL नवरत्न। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें मैच कीजिए। टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें मैच करना है। आउटराइट सेल ऑफ, हाँ आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और पुटिंग एन एंड टू दोज रिस्ट्रिक्शंस, रूल एंड लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट बिकेम मेजर हिंड्रेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए जल्दी बताइए। टर्निंग द वर्ल्ड इन टू वन होल और क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्या होगा? जल्दी फास्ट सर। ग्लोबलाइजेशन करेक्ट। दूसरा, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट हो गया, मैच हो गया। ग्लोबलाइजेशन है सर, इसका पढ़ो पहले क्वेश्चन तो पढ़ो।
dash involve creation of network and activities transcending economic, social and geographical boundaries. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक सोशल ज्योग्राफिकल एंड बाउंड्रीज. ठीक है, ठीक है, चलो ये 30th क्वेश्चन शुड बी द लास्ट. डैश पढ़ो बेटा. डैश डैश इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन. क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते थे ना, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग और इंटीग्रेटिंग द होम इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे हम डिफाइन करते थे ग्लोबलाइजेशन को 10th क्लास में. तो इंटीग्रेशन ऑफ द होम इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन होगा. ठीक है बेटा, चलिए तो इन्हीं बातों के साथ हम आज के इस डिस्कशन को विराम देते हैं. ठीक है, आज के डिस्कशन को विराम दिया गया बेटा, और फिर मिलेंगे अगली बार. और तब तक आप लगातार देखते रहें, ठीक है, आज तक सबसे